अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो था व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसके, ठीक है, डेली लाइफ में हम लोगों की लाइफ में क्या यूजेज हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 था। उसके बाद हम लोगों ने रीड किया था वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, वो क्या था, ठीक है। हमने क्या देखा था कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या था, कि हम जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं तो, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए करवाते हैं, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोगों का है स्टैंडर्ड्स, ठीक है, व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, विच ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन दी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये हैं व्हाट कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है गर्ल्स, ये तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो हम लोगों का क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है, इनको हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को नेटवर्क स्टैंडर्ड्स से पहले कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो आप लोग ज़रा देखें। देखें, जब आप लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो कंप्यूटर्स हैं, हमने इनको आपस में कनेक्ट करवाया है, अब ये दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है। अब इनका पर्पज़ क्या है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट क्यों करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि कुछ के कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोगों का क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर ए है वो आप ये समझें कि ये पाकिस्तान में है, क्या है, ये पाकिस्तान में, ये अमेरिका में है, ठीक है, मतलब जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है अमेरिका के बंदे से, ठीक है। अब उसने अपनी इन्फॉर्मेशन या डाटा कोई भी है, ठीक है, कंप्यूटर पे उसने सेंड किया और अमेरिका पे बैठे हुए बंदे ने, ठीक है, उस डाटा को रिसीव किया। अब हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जो कंप्यूटर ए ने डाटा भेजा है, ठीक है, वो किन किन रास्तों से, किन किन वे से गुजरता हुआ, ठीक है, कंप्यूटर बी के पास जाएगा अमेरिका में, ठीक है, उनके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि डाटा जब आप लोगों का, जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि डाटा आप लोगों का जब ट्रैवल होता है तो डाटा क्या होता है, इनकोड होता है, और यहाँ पर डाटा को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, कि डाटा इनकोड कैसे होगा, फिर डाटा को कैसे डिकोड होगा, डिकोड किया जाएगा, डाटा किस वे से, ठीक है, ट्रैवल करेगा, कौन कौन से वेज़ को यूज़ करेगा, कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करेगा, ठीक है, और डाटा में अगर कोई एरर आ जाता है तो कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि उसमें क्या एरर आया है, ये सारा कुछ, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इन सब को सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में बना के स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है, कि कौन कौन से, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, कि जब आपका कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसने कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को मद्देनजर रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी ने किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए जब आपके कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी के साथ कम्युनिकेट करना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कहीं भी कम्युनिकेट करना, चाहे वो एक रूम से दूसरे रूम में कम्युनिकेट करना हो, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कम्युनिकेट करना हो, या एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट करना हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कि डाटा जब आपका सेंड हो रहा है वो इनकोड होगा और रिसीवर साइड पे डिकोड होगा, उसके दरमियान डाटा किन किन वेज से, किन किन रास्तों से गुजर के जाएगा, और डाटा में अगर एरर आ जाए तो उस एरर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो इन रूल्स और रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है, एक क्या है, रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जब भी आप कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यही इन्हीं रूल्स को, इन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो करेगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं। तो ये जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स, जो रूल्स और रेगुलेशंस बना के रिटन फॉर्म में, उनको क्या कर दिया गया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, तो वो यही इन्हीं को फॉलो किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पे, इसकी डेफिनेशन क्या है आप लोगों की।
देखिए व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड, ठीक है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। मैंने आप लोगों को समझा दी कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। दी स्टैंडर्ड्स यहाँ देखें, ठीक है, द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स मतलब हमने उन रूल्स और रेगुलेशंस को जो क्या है नेटवर्क के लिए या कम्युनिकेशंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है, उनको हमने क्या कर दिया है डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में बना के स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं अबाउट द नेटवर्क बींग डिज़ाइन, ठीक है। नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि आप लोगों के आई थिंक सो, ठीक है, हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क आप लोगों की टाइप्स, ठीक है। तो हर टाइप से रिलेटेड कि हम कौन सा नेटवर्क फॉलो कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है चाहे वो फिजिकल इन्फॉर्मेशन है, उनको बना के, और ये कौन बनाते हैं, ये कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, कंपनी बना के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। और जहाँ कहीं भी दुनिया में कोई भी नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक है, कहीं भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं, तो वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क, ठीक है, बींग यूज। नेटवर्क कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टन स्टैंडर्ड्स। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपका नेटवर्क रिलायबल होता है, एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट से क्या मुराद है कि हम जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो क्या हो फास्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर, यही ना हो कि कंप्यूटर ए ने मैसेज भेजा है कंप्यूटर बी तक भी आप उसका इंतजार करता रहे, मैसेज डिलीवरी ना हो, तो वो एफिशिएंट और रिलायबल हो। रिलायबिलिटी से क्या मुराद है कि आप लोगों का कंप्यूटर ए ने जो डाटा भेजा है वो वैसे का वैसा कंप्यूटर बी के पास जाना चाहिए, ना कि उसमें कोई मिस्टेक आ जाए, एरर्स आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की क्या होती हैं स्टैंडर्डाइज कर दी जाती हैं, ठीक है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं नेटवर्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, तो इन्हीं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की टाइप्स कितनी हैं। दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और डीजीओ स्टैंडर्ड्स। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं हम उसको देखते हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स की क्या डेफिनेशन है। डिफेक्टो किससे निकलता है आपका फैक्ट से निकला है। डिफेक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स क्या है ट्रेडिशनली, ठीक है, या डेवलप किए गए हों, ठीक है, आप लोगों के, उनको क्या बोलते हैं डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स। दी स्टैंडर्ड्स आर डिवेल्प विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा प्लानिंग नहीं की, बकायदा प्लानिंग या रिसर्च करके इनको डिवेल्प नहीं किया गया, ये विदाउट प्लानिंग विदाउट रिसर्च इनको डिवेल्प किया गया है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं डिफेक्टो। जो ट्रेडिशंस मतलब आप लोगों के ट्रेडिशंस क्या होते हैं रवायात होती हैं, एक चीज़ आपने किसी बंदे ने अडॉप्ट की, ठीक है, वो चीज़ हर जगह पे अडॉप्ट हो जाने लगी, फिर वही चीज़ वो आपके ट्रेडिशन में आ गए। तो इसी तरह से ये स्टैंडर्ड्स इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई रिसर्च नहीं की गई, ट्रेडिशंस, ठीक है, थ्रू फैक्ट्स के थ्रू ये स्टैंडर्ड्स खुद ब खुद आप लोगों के डिवेल्प हो गए, ठीक है। दी स्टैंडर्ड्स कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट, ठीक है। These standards are still being used by many organizations in the world. ये अभी भी यूज़ होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ज़्यादा जो स्टैंडर्ड्स आप लोग के यूज़ होते हैं वो सेकेंड जो स्टैंडर्ड्स हैं डी जी ओ स्टैंडर्ड्स, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है, SN इज एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स, ये आप लोगों की, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इनका क्या है SN है, ठीक है, ये किसकी टाइप है डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स की टाइप है, ये SN स्टैंडर्ड्स हैं, और ये किस नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स हैं। अब हम जो आप लोगों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डीजर स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। डीजर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशंस, मतलब जो बाकायदा प्लानिंग से, ठीक है, बाकायदा रिसर्च जिस पे हुई हो, जिसको मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, लॉ और रेगुलेशंस के मुताबिक जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएं वो डीजर स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैं फिर अगेन कहूँगी जो स्टैंडर्ड्स हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स मतलब क्या आप लोगों के नेटवर्क किस तरह से, ठीक है, कंप्यूटर से आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, किस तरह से कम्युनिकेट होंगे, डाटा कैसे सेंड होगा, ठीक है, कैसे किन किन वे से गुजर के जाएगा, ये सारी स्पेसिफिकेशन टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन, अगर हमने नेटवर्क बनाना है तो हमने कौन सी केबल्स यूज़ करनी है, किस तरह की केबल्स यूज़ करनी है, सारी डिटेल आप लोगों की रिटर्न फॉर्म में बना के, ठीक है, प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं, ठीक है। दी स्टैंडर्ड्स आर
डिवेलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, मतलब बाकायदा रिसर्च से इनको डिवेलप किया जाता है, ठीक है, डाटा, ताकि डाटा कम्युनिकेट हो सके एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। और ये हम किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हमारे इसमें कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, मोबाइल्स भी आ जाते हैं, और उसके अलावा अदर डिवाइसेस भी आ जाती हैं। दी मेजर ऑर्गेनाइजेशन टू डिवेलप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये जो डीजीओ स्टैंडर्ड्स को डिवेलप करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कौन कौन सी, हम उनको देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में। सेकंड वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है, IEEE, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है। उसके अलावा थर्ड वन इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ठीक है, जरूरी नहीं है जस्ट ये सिर्फ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, कंप्यूटर से रिलेटेड और भी अदर जितना भी काम हो रहा है वो इनमें क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें। उसके बाद फोर्थ वन इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ITU-T, ठीक है। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है, एंड टेलीकॉर्डिया, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या कर रही हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं, या जिन्होंने बहुत सारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, डेवलप किए बाकायदा उन पर रिसर्च के थ्रू, ठीक है, बाकायदा से रिसर्च करके प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू नेट क्या है नेटवर्क या कंप्यूटर स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है, जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देखिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी भी आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे किसी और मीडिया पे आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए बाकायदा से प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों के टॉपिक में, नेटवर्क टॉपोलॉजीज़ को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये, अगर आप लोगों की इसमें कोई चीज़ समझना है तो आप लोगों ने मुझसे पूछनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।